टीवी इंडस्ट्री के कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर पिछले कई दिनों से गायब थे, कहीं भी उनके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब हास्य कलाकार सिद्धार्थ सागर ने खुद दुनिया के सामने आकर अपने गायब होने की वजह का खुलासा किया है। अपनी कॉमेडी और एक्टिंग से लोगों को हंसाने वाला कलाकार आज रो रहा है। जिसकी कॉमेडी से ठहाके गूंजते थे, उस कलाकार के आज आंसू नहीं रुक रहे। कॉमेडी सर्कस में स्टैंड अप कॉमेडी और सेल्फी मौसी के किरदार के लिए पहचाने जाने वाले हास्य कलाकार सिद्धार्थ सागर ने दुनिया के सामने आकर अपनी जिंदगी के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पिछले दिनों सिद्धार्थ की एक दोस्त ने सोशल मीडिया पर उनके लापता होने की जानकारी दी और बताया कि नवंबर के बाद से सिद्धार्थ की कोई खबर नहीं है। इसके बाद सिद्धार्थ सामने आए और बताया कि वो अपने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सिद्धार्थ की माने तो उनकी सारी परेशानियों की वजह उनकी माँ है। मेरी मदर और पेरेंट्स ने, कुछ लोग बाहर के लोगों ने मिलकर मुझको मेंटल असाइलम में डाल दिया था। मेंटल असाइलम में डाला और वहाँ पे मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर की मेडिकेशंस दी थी। आधी रात को निकाल देना, प्रॉपर्टी के नाम पे प्रॉपर्टी के पैसे गायब हो जाना, पैसों का कोई हिसाब नहीं देना। मेरी मदर शुरू से ही पैसों को लेके और मेरी चीजों को लेके बहुत ज्यादा रोक टोक रहती है मेरी मदर की। मुझे लोन, इनके भी लोन मुझे ही भरने, अपने भी लोन मुझे ही भरने थे, पूरा घर का करना, उसके बाद हिसाब भी ना होना और अचानक पचास पैसे खत्म हो गए, तो पागलपन है ये। नवंबर से यानी पिछले चार महीनों से सिद्धार्थ की जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। सिद्धार्थ ने बताया कि उनकी माँ ने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसों के लिए किया। चार महीने से तो आप ही समझ लीजिए कि मैं सिर्फ मेंटल असाइलम में जाता था, किसी रिहैब में भेजा जाता था, प्रॉपर्टी पे साइन होने के लिए मेरी गाड़ी बेच दी, कुछ ये सब चीजें चालू थी। बहुत चीजें प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर गलत चल रही थी मेरे लिए। बहुत बहुत मेंटली मैं डिस्टर्ब हो रहा था, मतलब मेरे लिए ये चीज इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब होने की थी। बिकॉज बींग एन आर्टिस्ट, मैं नहीं, कभी ऐसा माहौल नहीं देखा लाइफ में। मैं हंसने वाला, हंसाने वाला, खुश रहने वाला आदमी हूँ। हास्य कलाकार सिद्धार्थ ने बताया कि पहले उनकी माँ ने कुछ लोगों के साथ मिलकर साजिश के तहत पहले उनको बाइपोलर डिसऑर्डर की दवाइयां दी, जिससे उनका स्वास्थ्य पर असर दिखने लगा और फिर उनको मेंटल असाइलम भिजवा दिया गया। वहां से जब सिद्धार्थ किसी तरह निकले तब उनको इलाज के लिए रिहैब सेंटर भेज दिया गया, जहां उनके साथ मार पिटाई हुई। सिद्धार्थ को ये यकीन दिलाने की कोशिश हुई कि वो बीमार है और इस बीमारी का इलाज भी करवाया गया, जबकि असल में सिद्धार्थ बिल्कुल नॉर्मल थे। कल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? सिद्धार्थ के लिए ये सब बर्दाश्त करना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि उसके साथ ये सब करने वाली उसकी माँ थी। मेरी मदर के अलावा मेरे सबसे अच्छा दोस्त मेरी मदर थी। मैंने अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा प्यार किसी को किया ही नहीं और मुझे उम्मीद नहीं थी ये चीजें इतनी गड़बड़ हो जाएंगी। मैं अपनी मदर के लिए, क्योंकि मेरी दोस्ती भी ऐसा कि मैं घर पहुंचू और मेरी एक ही दोस्त मेरी मदर, मैं उसके साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ। मेरी मदर डिस्टर्ब है मेरे ख्याल से, उनको काउंसलिंग की बहुत सख्त जरूरत है। बाकी लोगों से थोड़ा ऑब्सेस्ड है माइंड या फिर किसी का इन्फ्लुएंस है, उसको खत्म करना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने सामने आकर अपनी परेशानियों के बारे में बताया है और अपनी माँ पर कई आरोप भी लगाए हैं, लेकिन इस पर उनकी माँ की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।